दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम, मैं नीलम राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे पहाड़ों के इन हसीन वादियों में। सुबह तक हो रही थी बारिश और अभी बारिश बंद हो चुकी है। और ये देखो कुछ ऐसे सुहाने लग रहा है मौसम। और आजकल सब लोग जा रखे हैं खेतों में। किस लिए जा रखे हैं? रोपाई की तैयारी करने के लिए, मतलब खेतों में घास वास काटने एंड खेतों को साफ़ करने जा रखे हैं। ये सब काम रोपाई से पहले होता है। और मैं हूँ आज आरोही के साथ। हमारे घर से गई हैं मम्मी और भाभी, जा रखे हैं खेत में। और ये यहाँ पीछे लगा हुआ है कोहरा, ये देखो। आजकल कुछ ऐसे कोहरे और ऐसे हसीन मौसम में हो रही है हमारी सुबह उठ के ऐसा हसीन नज़ारा देखने को मिल रहा है, सब खूबसूरत नज़ारा। तो ये सौभाग्य ओनली उत्तराखंड वालों को ही नसीब होता है ऐसा ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने को। पहाड़ों में ये सब रोज़ देखने को मिलता है। हे गाइस, अभी मैं भी जा रही हूँ खेत में, तो मैं घास के लिए जा रही हूँ, घास लेके आऊँगी। उसके बाद घर आके खाना वाना बनाना है। तो हम ऊपर से किया हमने शिमला से, तो वहाँ जा रहे हैं। पीछे नदी आ रखी है भयानक, इसलिए नदी की आवाज़ ज़्यादा हो रही होगी, मेरी आवाज़ कम। और मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली। चलो, अब थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस, रोपाई के टाइम पे खेतों के बीटे कुछ ऐसे करते हैं घास काट के, जैसे यहाँ काट रहे हैं आप देख सकते हो। ये देखो, मैं भाभी और मम्मी यहाँ गए हैं, यहाँ काट रखा है इन्होंने ये बीटे, और कुछ काटने बाकी हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने गांव के नीचे। ये धान, इसकी रोपाई करते हैं। गाइस, मैं घास की सोल्टी लेकर आ चुकी हूँ अपने गांव के नीचे। यहाँ पे लगा रखी है मैंने बिछौन, ये देखो। और भाभी मम्मी वो साइड है, तो वहाँ से आई हूँ मैं। मुझे यहाँ से होके जाना है, यहाँ ऊपर हमारा घर है। तो चलो, अब सीधा घर पे मिलते हैं। तो गाइस, दिन के 12:30 बज चुके हैं और अब टाइम है खाना बनाने का। तो फिलहाल मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और अब दाल बनानी है। चावल चढ़ा दिए, दाल बनाने के लिए भी प्रेशर रख दिया है, टमाटर काट के रख दिए हैं। और दाल क्या बना रही हूँ मैं बना रही हूँ पीसी हुई दाल, मतलब राजमा, सोयाबीन, ये सब पीसी है मैंने, और उसका साग बना रही हूँ मैं। तो आरोही भाग भाग के आ गई कि बुआ क्या कर रही है। अरे, ये नहीं बोला बुआ, मेरे को भी पता, क्योंकि उससे पहले मैंने उसकी साइड कैमरा घुमा दिया था। तो चलो, अब पहले खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद आपको, क्योंकि आज मैं खाना बनाने के लिए घर पे हूँ। पापा गांव में जा रखे थे घूमने और भैया लगा मोबाइल पर खेलने पर। और आरोही के साथ हूँ मैं, मैंने सिलाई भी करनी थी लेकिन मेरी मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए अभी सिलाई भी नहीं की। इसके बाद देखती हूँ, खाना वाना बनाने के बाद सिलाई भी करती हूँ कि नहीं करती हूँ, क्या होता है। कपड़े तो काट के रखे हुए हैं कब के, लेकिन सिलाई करना बाकी है। और यहाँ पे आरोही लचक लचक कर रही है। तो चलो, पहले खाना बना लेते हैं, ठीक है? आरोही की जगह है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बैठी रहती है।
तेल। देखो काम है, चुड़ी। तेल बोला मैंने, तेल। ये है तेल। चल मैं पहले तेल। तो गाइस शाम की 5 बज चुकी हैं और अभी आप देख सकते हो चमचमाती हुई धूप खिली हुई है और मैं बैठी हुई अपनी सीढ़ियों में, छत में जाने वाली सीढ़ियों के बगल में। ये देखो अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ धूप में कैसे दिख रहा है हमारा पहाड़। देखो तो यहाँ छिपती है धूप, कुछ ऐसे दिख रहा है अभी धूप में पहाड़ों का मौसम। ये देखो एकदम गजब वाली धूप खिली हुई है अभी। अब मॉर्निंग में आप देख सकते हो, मॉर्निंग में आपने आगे देखा होगा बारिश का मौसम था और अभी देखो आरोही की निकाल रखी है हल्दी की पैकेट और सबके फेस पे हल्दी हल्दी लगा जा रही है क्योंकि इसने आज हल्दी वाले कपड़े पहन रखे हैं तो इसलिए सबको येल्लो येल्लो कर रही है। ये देखो ये देखा है। बाय बाय। गजब वाली धूप खिली हुई है और हमने कपड़े कहाँ डाल दिए हैं क्योंकि कल परसों धो दिए थे और अभी 2-3 दिन तक धूप नहीं आई और आज आ रखी है तो इसलिए अभी डाल दिए है सुखाने के लिए, नहीं तो इस टाइम पे कपड़ों पे बू आती है बहुत ज़्यादा। और अभी टाइम है चाय पीने का तो चाय पी लेते हैं। ठीक है आरू, चाय पिएगी? हाँ। और आरू लगी हुई है अब खुद पे ही हल्दी लगाने पे, मेरे पे लगा हल्दी खुद पे लगा रही है। देखो आज शाम के 7 बज चुके हैं और गांव की सारी धूप छिपी हुई है और यहाँ देख सकते हैं ये वाली पहाड़ी पे धूप खिली हुई है अभी भी, ये वाली पे भी तो इनकी धूप अभी नहीं छिपी और सारे गांव की धूप छुप चुकी है। ये देखो बहुत सारे लोग अभी खेत में हैं और आरोही मेरे को मार रही है, किस चीज़ से मार रही है ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इससे मेरे को मार रही है, गुंडी है तू तो बहुत बड़ी गुंडी है, ये मेरे को मार रही है, पता नहीं क्यों मार रही है, ये तो ये ही जाने या इसका रब जाने। तो ये देखो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे अभी धूप है, यहाँ की धूप नहीं छिपी है। ये देखो तो गाइस अभी 7:30 बज चुके हैं और रात पड़ गई है और मैं आ रखी हूँ अभी दादी के घर पे, दादी दे रही है दिया, दिखाती हूँ। दादी अरे यहाँ पे लगी हुई मेरे दादाजी की तस्वीर, दादी देती है दो जगह दिया, एक जगह वहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पे है दादाजी की तस्वीर और यहाँ पे दिया हुआ है दादी का दिया, सब्जी भी चढ़ा रखी है। तो दोस्तों रात की 9 बज चुकी है, मैं अभी दादी के घर से आ रही हूँ, यहाँ पे ये ऊपर ये वाला लगा है ध्रुव तारा, ये अच्छे से दिख रहा है साफ यहाँ पे, और इसके आजू बाजू छोटे छोटे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो चलो फिर इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, अब मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, मेरी ब्लॉग देखते रहिए,
लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, एंड जो न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय गढ़वाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए। बाय बाय दगड़ियों।